तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 सिनेमा घर में आ चुकी है, लेकिन ट्रेलर देख के हमें काफ़ी ऐसा लगा था कि भाई फिल्म में हम अक्षय कुमार को मिस करेंगे, लेकिन भाई वो वहम जो था वो फिल्म देखने के बाद, मेरा वहम तो दूर हो गया है। बाकी आप फिल्म देखने के बाद अपना भी जो ओपिनियन होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल लेना। मैं फिल्म को सीधे सीधे पॉइंट पे बात करूँ तो ये फिल्म एक वेल रिटन, वेल परफॉर्म एंड वेल डायरेक्शन फिल्म है, क्योंकि ये संपूर्ण तरीके से हमें खुश करती है। एक मसाला फिल्म इसको कहते हैं, हाँ थोड़ा दिमाग विमाग जो है वो घर भर पे रख के जाना, बाकी पॉपकॉर्न खाते खाते मस्त इस फिल्म को आप मतलब एंजॉय कर सकेंगे। हाथ में पॉपकॉर्न होगा, फिर मस्त सोफा लेके इस फिल्म को एंजॉय करना, बाकी दिमाग विमाग है वो घर पे रख कर जाना, आप फुल टू एंटरटेनमेंट हो जाएंगे और परिवार के साथ आप इस फिल्म को भी देख सकते हो। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं फिल्म में क्या अच्छा है और क्या नेगेटिव है। तो दोस्तों, कॉमेडी प्लस हॉरर ये जो टॉपिक है इसके ऊपर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पर फिल्म बनाते हो, एक्शन फिल्म है तो वहाँ पर आपका पूरा फोकस एक्शन के ऊपर रहेगा। अगर आप सिर्फ कॉमेडी बनाते हो तो फिर ह्यूमर व्यूमर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमेडी पे फोकस रखना है। अगर आपको डर हॉरर फिल्म बनानी है तो वहाँ पर आपका फोकस सिर्फ डर पे रहेगा कि पब्लिक को किस तरह से डराया जाए। लेकिन मतलब पब्लिक को डराना भी है और पब्लिक को हंसाना भी है, तो यह टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा काम मांगता है। यही काम भूलभुलैया 2 में, सॉरी भूलभुलैया 1 में प्रियदर्शन साहब ने किया था और काफ़ी अच्छे से दर्शकों को डराया भी था और हंसाया भी था। तो भूलभुलैया 2 में अनीस बाजमी ने भी इस काम को काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। पब्लिक डरी भी है और पब्लिक हंसी भी है, तो यह फिल्म एक संपूर्ण तरीके से फनी बन गई है। अब कहानी की बात करें तो भाई देखो, पहले तो मैं बता दूं कि अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई स्टोरी कनेक्टेड है। तो आपने अगर भूल भुलैया 1 नहीं देखी है तो सीधे सीधे आप इस फिल्म को देखने जा सकते हो। सिर्फ गाना जो आर्मी जे तो माँ और भूल भुलैया 1 से राजपाल यादव छोटा पंडित दो लोगों को ही इसमें फॉरवर्ड किया है, बाकी स्टोरी वोरी से कुछ लेना देना है नहीं। कहानी की बात करें तो एक बंद हवेली है जो काफ़ी सालों से बंद है, वो बंद इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मंजुलिका कैद है। फिर मंजुलिका किस तरह से बाहर आती है और क्या तड़गम मचाती है, कहाँ डर पैदा होता है, किस तरह से कॉमेडी पैदा होती है, वही हमें इस फिल्म में देखना है। कलाकारों के काम की बात करें तो पहले तो कार्तिक आर्यन का यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम निखर के आया है। पहले फिल्म से ही पता चल गया था कि ये बंदा जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छी है, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो हर तरह से कार्तिक आर्यन इस रोल के लिए फिट थे ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी अच्छा काम है कार्तिक आर्यन का। उसके बाद तब्बू का काम भी बहुत अच्छा है, इस फिल्म में भी तब्बू ने बहुत अच्छा काम किया है। तब्बू एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसको आप किसी भी टाइप का रोल दे दो वो काफ़ी अच्छे से निभाती है, तो इस फिल्म में तब्बू का काम बहुत अच्छा है और अलग है। कियारा आडवाणी को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने भी अपने रोल को काफ़ी अच्छे से निभाया है। बाकी जो कॉमेडी लेजेंड्स है उसकी बात करें तो संजय मिश्रा और हमारे छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव दोनों कॉमेडी के लेजेंड हैं और दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से निभाया है और काफ़ी अच्छी कॉमेडी यहाँ पर क्रिएट की है। फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो जो गाना था पहले तो भूलभुलैया का टाइटल ट्रैक, वो तो रिलीज़ के पहले ही, फिल्म रिलीज़ के पहले ही हिट हो गया था। फिर अरिजीत का एक गाना यहाँ पर देखने को मिलता है जो हामी जे तो माँ है मेल वर्जन में, वो गाना सुनने में आता है मज़ा और थोड़ा फ्रेश टाइप का भी फील आएगा और वो गाना भी देखने में सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। बाकी फिल्म का जो BGM है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। VFX की बात करें तो VFX एक दो जगह थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन बाकी फिल्म में VFX का भी जो काम है वो काफ़ी अच्छा है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, अगर आप प्रो ऑडियंस हो तो इसका जो सस्पेंस है वो शायद आप गेस कर लोगे, बाकी जो नए लोग हैं और पहली बार ऐसी कोई सस्पेंस या फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं तो उनके लिए एक परफेक्ट कॉमेडी फिल्म, परफेक्ट हॉरर, परफेक्ट सस्पेंस फिल्म रहेगी। लेकिन आप सस्पेंस फिल्म के फैंस हैं और काफ़ी सारी मूवी आपने देख रखी है तो मैंने तो ट्रेलर देख के ही इसका जो सस्पेंस था वो सोच लिया था और वही निकला। तो अगर आप प्रो ऑडियंस है तो आपको भी सस्पेंस में कोई नयापन
नहीं लगेगा। बाकी ये फिल्म आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रहेगी कि क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा है, एंगेजिंग है। तो ओवरऑल ये फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है, आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार। आपने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आपको फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाइए परिवार के साथ, इस फिल्म को आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।